ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼। ਮੋਰਨਿੰਗ ਗਲੋਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਧਾ ਭੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਰਾਧਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਕੂਪਨ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ये मेला सिर्फ बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें बच्चों ने ही डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स का को ऑर्गेनाइज़ किया है। बच्चों के द्वारा ही सेल की गई है और बच्चों ने ही सारा मैनेज किया है। सारे अफेयर्स बच्चों के द्वारा मैनेज हुए हैं। डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं, लक्की डिप का स्टॉल है इसमें, और मैच स्टिक्स एंड कैंडल का स्टॉल है, म्यूज़िकल चेयर है, डीजे और पंजाबी विरसा का स्टॉल है, जिसमें बच्चे अपनी डांस की कैपेबिलिटी को शो कर सकते हैं, और खाने पीने के स्टॉल्स हैं जो बच्चों के द्वारा ही ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। छोले कुलचे हैं, समोसे हैं, ब्रेड पकौड़े का स्टॉल है, और झूले हैं डिफरेंट टाइप्स के लगाए गए। जंपिंग कैसल का अरेंज किया गया है, जंपिंग स्प्री है, और मैरी गो राउंड है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ही कॉटन कैंडी, पॉपकॉर्न और भेलपूरी का स्टॉल ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस तरह के डिफरेंट स्टॉल्स हैं जो बच्चों के द्वारा ही ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए हैं, क्योंकि अब दिसंबर के बाद एग्ज़ाम्स का जोर पकड़ लेगा, इसलिए बच्चों को एक मौका दिया गया है कि डट के एंजॉय कर लें, एंटरटेनमेंट कर लें खुद को, और उसके बाद एक नई एनर्जी के साथ स्टडी की तरफ उनका चैनलाइज हो जाए एनर्जी सारी।